हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1। जेई मेंस और नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्योंकि इस चैप्टर से दो क्वेश्चन तो फिक्स रहता है नीट के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, और जेई मेंस में और जेई एडवांस में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो कॉपी और पेन निकाल के तैयार हो जाइए। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1 है। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो हेडिंग लगाए बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स। बच्चों फंडामेंटल का मतलब होता है जो किसी से मिलकर बना ना हो। फंडामेंटल में हम लोग पहले लेंगे, एक तरफ क्वांटिटी लेंगे और एक तरफ लेंगे यूनिट्स। क्या लेंगे? क्वांटिटीज और एक तरफ बच्चों लेंगे यूनिट्स, ठीक है। बच्चों किसी भी मेजरमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग करते क्या है, दो बातों को बताते हैं। कितनी बातों को? दो बातों को। एक होता है बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और दूसरा होता है यूनिट। तो जैसे 25 मीटर लिखा हुआ है, तो इसमें 25 क्या है, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो मीटर है वो आपका यूनिट है बच्चों, ठीक है। तो यूनिट के सिस्टम होते हैं 4 सिस्टम, आप जानते होंगे, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, ठीक है, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम। SI और MKS एक ही होता है, सेम होता है, ठीक है। और CGS सिस्टम एक अलग सिस्टम है। तो हम जब भी क्या करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो हम सिस्टम का बहुत ही विशेष ध्यान रखते हैं, है ना। तो क्वांटिटीज़ की बात करेंगे हम, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो 7 होती है, सबको पता होगा। लेंथ होती है ना, मास होता है, लेंथ मास, उसके बाद आपका होता है टाइम होता है, टेम्परेचर होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई होता है, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर। टेम्परेचर कभी कभी हम लोग थीटा से भी व्यक्त करते हैं, है ना, करंट को आई से। उसके बाद आपका आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब जो लाइट एमिट होती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। और दूसरा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होगा उसका अमाउंट, मतलब एटॉमिक लेवल पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने हो गए? 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तीन इधर हो गए, 3 इधर, 6 एक साथ। तो टोटल बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और इन्हीं के यूनिट्स को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, क्लियर है। तो ये आपके जेईई मेंस और नीट के एग्ज़ाम में, और इसके पहले जो होते थे जैसे कि एम्स का एग्ज़ाम होता था, PMT के एग्ज़ाम होते थे, AIEEE के, UPTU के एग्ज़ाम होते थे, तो उस टाइम पर इसके क्वेश्चंस बहुत ही कभी कभी जो है MCQ में देता था। तो देखते हैं क्या होता है। लेंथ का तो आप लोग को जानना ज़रूरी होता है। लेंथ का जो यूनिट होता है वो SI में लेंगे हम। किस सिस्टम में बात करेंगे? SI में। ध्यान रखना SI और MKS एक ही होता है बच्चों। तो MKS में मीटर होगा, मास का होगा बेटा किलोग्राम होता है, टाइम का होता है आपका जो सेकंड होता है हम लोग S से डिनोट करेंगे, और टेम्परेचर का केल्विन होगा, ठीक है, और करंट का एम्पियर, और इंटेंसिटी का कैंडेला, और इसका होता है मोल, क्लियर। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। कितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं? 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। और इन सातों फंडामेंटल्स में जो ये आपके स्टार्टिंग के 3 दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसके डेफिनेशन आपसे ज़रूर पूछेगा। इसकी डेफिनेशन किसके? मीटर के, किलोग्राम के और सेकंड के डेफिनेशन पूछते हैं आपके जेई में और नीट के एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर
को डिफाइन करना है तो 1 मीटर कैसे डिफाइंड होगा, ठीक है। तो 1 मीटर का जो डिफिनीशन दिया गया बच्चों, 1 मीटर का डिफिनीशन कैसे डिफाइन करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 1 मीटर होता है जो क्रिप्टन होता है 86, प्योर क्रिप्टन 86, इसको डिफाइन करेंगे प्योर क्रिप्टन 86। ये ऑरेंज कलर की लाइट एमिट करती है, तो लेंथ इसके लाइट का जो वेव होगा, उस वेव की जो लेंथ होगी कितनी वेव होनी चाहिए, लेंथ ऑफ 1650 763.73, इतने वेव्स का जो वेवलेंथ होगा या कह लीजिए लेंथ होगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। यही है 1 मीटर के डेफिनेशन, ये बुक्स में लिखा गया है, आप देख सकते हो। क्लियर है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना होगा। दूसरा डेफिनेशन आपको याद रखना होगा, किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को डिफाइन किया गया है एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर, जो प्योर वाटर होता है, 1 लीटर प्योर वाटर शुद्ध जल का जो मास होता है वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस पर मास, कितने मास, मतलब 1 लीटर शुद्ध जल 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, हिंदी में सुनिए ध्यान से, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और हमारा जो पानी होना चाहिए कितना, वो 1 लीटर होना चाहिए, और वो शुद्ध जल हो, शुद्ध मतलब प्योर वाटर हो, कुछ उसमें मिलावट ना हो। तो उसका जो मास होगा वो 1 किलोग्राम होता है, कितना होता है ये, 1 किलोग्राम। और सेकंड को डिफाइन किया गया है एटॉमिक क्लॉक के सीजियम एटम से। एटॉमिक क्लॉक अमेरिका ने सबसे पहले बनाई थी, शिकागो यूनिवर्सिटी में अमेरिका ने बनाई थी एटॉमिक क्लॉक, और इसी क्लॉक से आज जो जितने भी क्लॉक बने हुए इसी क्लॉक से पॉसिबल हो पाया है। आप इसे बेहतरीन पढ़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं एटॉमिक क्लॉक के बारे में, तो आप एटॉमिक क्लॉक यूट्यूब पर जाके सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिल सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक क्लॉक अगर सीखना है तो आप समझ जाएंगे। तो एटॉमिक क्लॉक में अगर यूज़ जो होता है वो है सीजियम 133, यही यूज़ होता है, और ये एटम जो है वाइब्रेट करता है, क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है कितनी बार, 91 92 63 70, इतनी बार वाइब्रेट करेगा। तो इस वाइब्रेट होने में जितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन इन वाइब्रेशन, कितना वाइब्रेशन होना चाहिए, ये वाइब्रेशन होना चाहिए, और इतना वाइब्रेशन होने में टाइम लगेगा वही 1 सेकेंड होता है। तो ये अक्सर करके डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछ लेगा बच्चों, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, एमसीक्यू में दे सकता है कि 1 मीटर डिफाइंड एज, या 1 सेकेंड डिफाइंड एज, 1 किलोग्राम डिफाइंड एज। तो ये लेंथ मास और टाइम, लेंथ मास टाइम, इन्हीं तीनों को ही डिफाइन किया गया है बेहतरीन तरीके से। आगे चल करके हम टेम्परेचर को भी डिफाइन करेंगे, जब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो 1 केल्विन कैसे डिफाइंड होता है वहाँ सीख लेंगे, यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट, करंट का जो यूनिट होती है वो SI यूनिट एम्पियर होती है। 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं आप क्लास 12 में जब फिजिक्स पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से हम डिफाइन कर लेंगे। 2 चैप्टर्स हैं तो 2 चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं, तो वहाँ आप सीख लेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जब आप लाइट पढ़ते हैं ल्यूमिनस लाइट का, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे, तो वहाँ उसकी इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड से, तो वहाँ पर सीख लेंगे। और केमिस्ट्री में आपने 1 मोल पढ़ा ही है, 1 मोल कितना होता है, 1 मोल का मतलब 6.023 × 10^23 10^23, इतने पार्टिकल को हम लोग 1 मोल कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए 1 मोल रुपया कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, 6.023 × 10^23 रुपया, तो 10^23 यही रुपया है। तो ये 1 मोल के बराबर होता है, केमिस्ट्री में आप जानते हो, और इसे हम लोग एवोगैड्रो नंबर से भी बुलाते हैं, ठीक है। तो यही है फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, किसके बारे में,
फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। अब इसके आगे हम लेक्चर ले आएंगे आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये इसका यूज कहाँ पे होगा वो हम बताएंगे आपको एरर वाले क्वेश्चंस में। परसेंटेज एरर के कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसे कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स है ना, तो उस कंडीशन में एमसीक्यू क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को देख करके जो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में हम जेई मेंस नीट एडवांस तक के क्वेश्चन को सीखेंगे कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप कुछ बच्चे इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से उनका ये चीज़ कभी कभी फ्लॉप हो जाता है कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो पढ़िए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।